जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ज्ञान चौधरी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भास्कर। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा, महान स्वतंत्रता सेनानी, आजाद हिंद फौज के प्रथम जनरल, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती पर जनवरी 1923 मंगलवार को हरियाणा पूर्व सैनिक संघ मुख्यालय भवन सेक्टर 4 रोहतक में संघ के प्रधान कर्नल रणधीर सिंह मलिक की अगुवाई में पूर्व सैनिकों ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। इस गौरवपूर्ण अवसर पर पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए संघ के प्रधान कर्नल मलिक ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्र के प्रति त्याग और बलिदान को कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए परतंत्रता में भी ऐसे महान कार्य किए जिससे घबराकर अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र कर अपने देश लौटने का निर्णय लेना पड़ा था। हम उनके और आजाद हिंद फौज के त्याग और बलिदान को याद कर श्रद्धा से नमन करते हैं। इस अवसर पर कर्नल नरेश दहिया ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो के नारे ने आजाद हिंद फौज में जोश भर दिया था और वे दिल्ली की तरफ कुछ कर गए थे। इससे अवसर पर लीग के प्रवक्ता कैप्टन जगवीर मलिक ने पूर्व सैनिकों को याद दिलाया कि जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर नेताजी ने आजाद हिंद फौज ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवासियों में अंग्रेजों के प्रति लड़ाई लड़ने का जोश भर दिया था। आजाद हिंद फौज म्यांमार की तरफ से इम्फाल के मोरान तक पहुंच गई थी। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि रोहतक के सुभाष चौक पर स्थित नेताजी की प्रतिमा की ड्रेस का रंग प्रशासन बार बार बदलता रहता है। हम पूर्व सैनिकों का प्रशासन से पुरजोर अनुरोध है कि नेताजी की प्रतिमा की ड्रेस का रंग हल्का हरा ओजी होना चाहिए जिससे उनकी प्रतिमा की एक सेनाप्ति के रूप में धमक बनी रहे। इस गौरवपूर्ण अवसर पर कैप्टन सुखबीर अहलावत, कैप्टन सुरेश कुमार, सूबेदार मेजर सुरेंद्र मलिक, सूबेदार मेजर बलजीत सिंह गहलावत, सूबेदार ओम प्रकाश नरवाल, सूबेदार जयपाल सिंह, नरेंद्र सिंह, रोहतक जिला इकाई के प्रधान सिलक राम लठवाल, हवलदार नरेंद्र सिंह, हवलदार धर्मवीर खटकड़, हवलदार नरेश शर्मा और मनोज कुमार सहित कई अधिकारी और पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। नमस्कार, आज हम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी INA के जनरल और भारत माँ के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती हरियाणा पूर्व सैनिक संघ भवन में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आप सबको पता है कि दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद का नारा देने वाले इन महान सपूत ने ही देश को आज़ादी दिलाने में महान योगदान दिया था। आज हम पूर्व सैनिक संघ भवन में उनको श्रद्धा से नमन करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं और इस अवसर पर हम जानना चाहेंगे हमारे हरियाणा पूर्व सैनिक संघ के प्रधान कर्नल मलिक साहब से कि आज जो हम गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर जयंती मना रहे हैं उसके बारे में, नेताजी के बारे में आप क्या बताएंगे? जैसे बताया जगबीर साहब ने कि आजादी की लड़ाई में अहम भाग लेने वाले अपने सुभाष चंद्र बोस जी थे। उन्होंने हिंद सेना खड़ी की और हिंद सेना के लिए देश विदेश से उन्होंने सहायता मांगी। विदेश में भी उनको काफी समर्थन मिला और एक ये बहुत बड़ा अंग था जिससे कि ब्रिटिश सेना को डर हुआ, ब्रिटिश शासक को डर हुआ और उन्होंने आजादी देने की प्लानिंग शुरू कर दी। साहब, आप एक वयोवृद्ध सेनानी हैं, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के बारे में क्या बताएंगे? अपना नाम बताएं पहले। मैं नायक रामफल, एक्स नायक रामफल उड्डा। हाँ जी, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, जो आजाद हिंद फौज के बारे में सुभाष चंद्र बोस महान सेनानी जिन्होंने आजाद हिंद फौज खड़ा किया और
आजादी के लिए पूरा योगदान किया, उनकी वजह से आजादी मिली। बहुत अच्छी बात है। हमारे खजांची हैं कैप्टन एलाव साहब, आपका क्या विचार है सर नेताजी के बारे में? नेताजी ने देश को आजाद कराया, आज उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में हमारे देश में लिखा हुआ है। वो सेना ऐसी थी कि अंग्रेजों को भी बड़ी समस्या हो गई थी कि भी क्या करें, तो बहुत ही अच्छे नेताजी थे, प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन किसी कारण से वो नहीं बनाए गए, इसका दुख अभी भी है। अभी भी जय कर्नल दहिया साहब, आप क्या बताएंगे उनके बारे में? नेताजी जो हैं एक बहुत बड़े सेनानी थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना एकत्रित की, ट्रेनिंग की और अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया। ये एक मुख्य कारण था जिसके कारण जो है अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने का और यहां जाने का निर्णय लिया। भाई अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद साथियों।